मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस ने एक ऐसे फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है जो शहर के नॉनवेज होटल पर अधिकारी बनकर रौब गांठ कर उगाही करने का काम कर रहा था। खास सुरक्षा विभाग की शिकायत पर मौके से फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। कटघर थाना इलाके की पीतल बस्ती स्थित शाही चिकन बिरयानी की दुकान पर खाने के आइटम चेक करने पहुंचे एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध मानते हुए होटल मालिक ने मुरादाबाद फूड डिपार्टमेंट को सूचना दी कि आपके विभाग के एक फूड इंस्पेक्टर यहां पर खाने के सामान की जांच कर रहे हैं। जिस सूचना पर विभाग ने मौके पर विपिन कुमार भटनागर नाम के व्यक्ति को कटघर पुलिस की सुपुर्दगी में दिया। ये व्यक्ति फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर शहर के नॉनवेज होटल पर जाकर उन पर रुबाब दिखाकर उनके सामान की चेकिंग करने के नाम पर उगाही करने का काम कर रहा था। होटल मालिक ने इस फर्जी फूड इंस्पेक्टर की वीडियो भी सौंपी है, जिसमें ये सौदेबाजी करता साफ दिख रहा है। वहीं सीसीटीवी भी है, जिसमें ये व्यक्ति होटल में बैठा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। ये एक व्यक्ति जो खाद्य निरीक्षक बन के लोगों से कुछ पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा था, उसके संबंध में जो खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर की तरफ से एक अभियोग थाना कटघर में पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है और ये जानकारी की जा रही है कि इस प्रकार काम ये कैसे कर रहा था, इसके कौन साथी है, जिसमें जो लोग भी सम्मिलित रहे होंगे, जो जगह जगह जाके लोगों से वसूली कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो अरेस्ट हुआ है उसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति फूड इंस्पेक्टर बनकर खाने के होटल से अवैध उगाही कर रहा है, जिसे ट्रेस करते हुए एक बिरयानी की दुकान से रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके पास से कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं और दुकानों से लिए गए सैंपल भी मिले हैं। इसमें थाना कटघर में गोविंद नगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे दो दिन पहले एक आदमी आया किसी दुकान पर, मिठाई की दुकान थी, और उसने ये बताया कि मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ और मैं तुम्हारी दुकान की जांच करूँगा। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से मिठाई के सैंपल्स वगैरह लिए और उसको अपना फ़ोन नंबर लेकर चला गया दुकान। इसी तरह एक और दुकान पर घटना हुई, फिर उसने मिठाई विक्रेता ने जो एरिया ऑफिसर थी ज्योत्सना त्रिपाठी उनको बताया, उन्होंने मुझे अवगत कराया, तो तत्काल ही मैंने जो है एक मैसेज मीडिया में दे दिया, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज में पिक्चर आई थी वो भी दे दिया। और उसके बाद फिर हमें पता लगा कल कि किसी बिरयानी की दुकान पर वो गया था और वहाँ पे उसने उससे पैसे की डिमांड वगैरह की और नहीं देने पर उसका उसने बिरयानी का नमूना भरा और फिर शाम को वो किसी जगह पर उसको बुलाया और उससे संपर्क हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने संबंधित थाना से संपर्क करके उसको मौके पर ही दबोच लिया गया, थाने उसको ले आया गया और उसके बाद जो है उसके खिलाफ एरिया ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 420 और 384 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको जो है जेल भेज दिया गया है। सर क्या उसने पैसे भी लिए हैं या सैंपल ही लेता था आगे? नहीं, देखिए उसने जो है उसका जो इंटेंशन था वो गलत था और पैसे की वो डिमांड करता था। मौके पर उसके थाने में जब तलाशी हुई तो काफ़ी पैसे उसकी जेब से बरामद भी हुए हैं। विपिन भटनागर उसका नाम है और जो उसने अपना एड्रेस बताया है वो गली नंबर 2 गोविंद नगर मुरादाबाद, और वो जेल भेज दिया गया है और उसकी आगे की जांच जो है पुलिस कर रही है। इस पर विभाग की तरफ से 420 384 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी का नाम विपिन भटनागर बताया जा रहा है।